अपनी 50 सालों से। बेटी आपकी 50 साल की? नहीं नहीं, सास उसकी, सास ससुराल वाले। अच्छा, शादी हो गया है ना उसको? आपका नाम क्या है? सदीका। और ये बच्चे, कितने बच्चे हैं बेटी? उसके 4 बच्चे। ये बच्चियाँ दोनों उसकी हैं? नहीं नहीं, ये उसकी, ये उसका 2 उधार है। 16 साल से बेटी की शादी हो, ये नान तो 40-50 साल से रहे। अच्छा, और आपकी बेटी का क्या नाम है? नाजिया। नाजिया, ये 4 बच्चे। और मियाँ का है? मियाँ उधर पीछे खड़ा, बुलाए उसको? आसिफ नाम। अच्छा, चलाते वो भी बैठी हुई घरों में काम कर। क्या करें बैठे, कहाँ जाए? ये कॉलोनी में रहती है। कॉलोनी में रहती है। इनका तोड़ दिया था, इनका भी अभी जमीन में ही है। कितने कितने घर हैं इसमें कमरे? यहाँ पे 3 है, 3 बड़े एक नहीं। ये घर है आपका? कितने कितने गज पे बना है ये? 60-70 गज का। 3 फैमिली है। तो कितने लोग हैं 3 फैमिली में? कितने मिला के? मिला के यानी के 4-4, 5-5 बच्चे हैं। तो कितने हो गए? 15? हाँ, 17। गैस के मीटर चल रहे थे, बिजली के भी है? बिजली भी सरकारी मीटर है, गैस के मीटर है, पानी का बिल है, सब चीजों का बिल भर रहे। तो इलीगल कहाँ से हो गई? एक अरसे से भर रहे को, आज पहला दिन। आपने बोला क्या सर? भाई आपने क्या कहा? 50 साल से रह रहे हैं? 50 साल से ये है कम से कम जी। राशिद, राशिद भाई पूरा नाम बता दो। राशिद अली। राशिद अभी आपकी फैमिली 50 साल से रह रही है? 50 साल से। मेरी वालदा, मेरे वालिद साहब का यही इंतकाल हो गया, आबाद भी उन्होंने किया था, खरीद के उन्होंने बनाया था। उस टाइम तो 800-800 रुपए का प्लाट खरीदा था। अच्छा जी, अब 40 साल पहले 800-800 रुपए के प्लाट खरीदे थे उन्होंने। आपको तो वक्तन धमकी मिलती होगी ना गवर्नमेंट से के खाली करो? नहीं 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 नहीं, अब रात को भी इस तरह किया है कि सिर्फ मस्जिद में ऐलान किया खाली करो, कोई खाली करेंगे? नोटिस आया है ना, कुछ ना आए ना बोले। रात को मस्जिद में ऐलान किया और सुबह 2 बजे देखे ना, आप खुद देखें कि गैस के मीटर है। 9 बजे ये खड़ा हुआ, इसके लोग आपने रोका नहीं? आगे रोका है, आगे भी गिरा है। अच्छा, पुलिस आ गई? पुलिस की, पुलिस की सारी आ गई। ऑफिसर आए हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं साथ। 200-300 नफरी थी जो तो कम थी। अच्छा, ना लिख दो ताकि आप रोक भी ना सके। ऐसी बात है जी, ये भी बीमार है, इनका घर गिरा दिया इन्होंने अभी। ये कम से कम 50 साल से आ रहे हैं। झोपड़े वाले लोग है, उसको उठा के ले गए। सुबह 7 बजे जाते हैं, रात को 9 बजे आते हैं, फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं, मशीनों पे होते हैं। मोहम्मद अकरम, क्या करेंगे? मोहम्मद अकरम वाल ज्यादत अली। फैक्ट्री वर्कर हैं? फैक्ट्री क्या, किस चीज की फैक्ट्री? वो पंट चलते हैं, टंग बनते हैं, टंट बनता, त्रिपाल बनती है। अच्छा, तभी आप आज काम पे भी नहीं जा? इसी वजह से नहीं जा सके। भाई आप क्या करते हैं? ड्राइविंग करता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ घर में। अच्छा, और ये फजल अब्बास जी रिक्शा चलाते हैं, और क्या करेंगे? तो आज आप काम पे भी नहीं जा सके? कैसे जाएंगे घर की टेंशन? कोई नहीं बता, चलो हफ्ते की होती है मोहलत, जो कुछ 5-10 दिन की मोहलत होती है। ये यकदम आके ऐलान कर दिए, खाली कर दो, सुबह 6 बजे हम गिरा देंगे। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। इनको गैस कैसे दी जाती है, इनको लाइटें कैसे दी जाती हैं, इनको ये नेसेसरीज कैसे प्रोवाइड की जाती हैं? वो नेसेसरीज की वजह से तो आज हम इस मुकाम पे। ये 100 गज की नदी थी, मैं बचपन में मछलियाँ पकड़ता था यहाँ।
40 फीट गहरी थी ये, लेकिन आज देख लें इसका क्या असर हो गया। ये आप आगे चलेंगे नदी लेके तो आगे जाके वो सवा फीट एक फीट की रह गई है, बीच में नदी में पिलर डाल के 3 मंजिला मकान बनाया गया आगे, तो कैसे होगा? वो लड़ाई हो गई। ये सारे सिलसिले हैं, बारह अल्लाह ताला रहम करे, स्टेप उठाया गवर्नमेंट ने, हमारी सिंध गवर्नमेंट ने भी उठाया है और सब ने मिलकर, तो लोगों को एक नेसेसरीज प्रोवाइड हों, लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारे, यही एक अल्बिया है हमारा, क्या कर सकते हैं। हमारी तरफ से जो कोशिश है वो कर रहे हैं आवाम के लिए। चालीस साल हो गए यहीं पे बैठे हैं। ये हमारी जो है ना, ये बिल आते हैं, गैस का बिल आता है, बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, ये चीजें जो है ना सारी जो है, ये पुलिस वाले ये जो बुला बारिशें आई है ना, ये मीटर लग दिखाएं आपको, ये मीटर लगे, ये देख रहे हैं, ये आप सारे मकान जो बने हुए, ये पोर्शंस बने हुए, एक एक जो सराइकी आए हुए हैं यहाँ पे, जो काम करते हैं यहाँ पे घास मंडी से, पूरी घासें यहाँ अंदर डालते हैं, एक एक में चार चार छह छह लोगों को किराए पे दिए हुए हैं, ये बना के बाकायदा कमर्शियल काम हो रहा है यहाँ पे, किराए पे घर चढ़ाए हुए हैं सब सराइकियों ने, एक सराइकी है वो 8 फैमिली ले आता है, उसके बाद उनको किराए पे दे देता है 10,000, 15,000, 12,000, 14,000 रुपये। एक आम कराची का आदमी जब वो लेने जाता है ना इलेक्ट्रिक का मीटर, तो उससे घर के पेपर, उससे तमाम नेसेसरीज पेपर्स मांगे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शिनाख्ती कार्ड पे और उसका जब मीटर लगता है तो उसको 5,000 रुपये जो है बिलिंग में आते हैं, यही तो नुकसान है हमारा, हम उन चीजों को उस वक्त देख नहीं रहे।